एक और रूल बता दिए, 10-11 नंबर पर आइए। तो लिखा जाए, अगला स्ट्रक्चर याद रखना है, ये दोनों का सम यानी जोगफल कितना डिग्री? 90 डिग्री, 180 डिग्री। अब बोलिए क्यों 180 होता है? इसके पहले बताए थे ना कि बाहर का कोई लाइन सर्किल को स्पर्श करता है तो रेडियस साथ मिल करके कितना, तो यह 90 और यह भी कितना। आइए, वो क्वाड्रिलेटरल है ना, चतुर्भुज है ना, तो चारों कोनों का जोगफल। तो 90 और 90 कितना, 180। इसलिए ये दोनों का जोगफल भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। दूसरा बात, ऑलवेज ये दोनों हमेशा बराबर होता है, चाहे आप जैसे भी इसको बनाइए, ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों रेडियस से जुड़ा हुआ है, ये दोनों चाहे जैसे भी बनाइएगा दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। और ये तो आपको रेडियस है ही, वो ए बराबर क्या चाहिए, वो भी बराबर हो सी ना, ये दोनों क्या चाहिए, रेडियस। चलिए उसी के आधार पर इसमें थीटा का मान बताया जाए। तो आइए, ये दोनों इक्वल है तो यह 25, तो यह भी कितना, 25, तो यह कितना, 25 और 25, 50 डिग्री, तो यह कितना, 130। अभी दोनों का सम 180 होता है, इसलिए यह हो जाएगा कितना डिग्री, 50 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन में ओ ए का मान बताइए। आइए, ओ सी आपको कितना दिया गया है, 26 है, ये आपका 26 है, और ए सी आपको दिया गया है कितना, 24। तो यह एक ट्रायंगल है ना, ओ ए सी, ओ ए सी कौन ट्रायंगल, तो यहाँ एंगल के डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यह 24 और 26 कितना से कट रहा है, 2 से, तो किसका दुगुना, या किसका, तो यह भी दुगुना होगा, 5, 5 12 13 का रिलेशन होता है। तो आंसर हो गया कितना, इस फिगर में x का मान बताया जाए। तो देखिए ये दोनों साइड ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है, ये दोनों भी तो इक्वल होता है,
तो ये दोनों भी इक्वली 20, तो ये भी कितना 20। तो आइए, अच्छा ये बताइए ये कितना डिग्री, या इतना निकालने का जरूरत भी नहीं था, ये ऑलवेज कितना डिग्री 90 डिग्री, ये अभी कितना टोटल होता है 90। तो ये बोलिए इसमें कितना कितना हो गया, ये कितना 20, 20 अब 20 40, तो ये कितना, फिर से ये कितना डिग्री, तो ये टोटल कितना, ये कितना कितना 70, 70। तो आइए ये तो ऐसे 90 तो होवे करता है, ये कितना हो जाएगा, या बोलिए ये भी निकालना पड़ेगा ना, काहे नहीं निकालना पड़ेगा। अच्छा ये 90 भी तो 90 हो गया, हाँ तो ये हो गया कितना 20। दोनों तरफ से ऐसे निकलेगा, ये 20 तो ये भी कितना, तो 20 और 20 40, तो ये टोटल कितना 140। तो ये ऑलवेज ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या होता है बराबर होता है, तो ये 90 है तो ये भी तो 90 है। तो आइए 70 और 90 कितना 160, तो ये बच गया कितना डिग्री 20 डिग्री। चलिए फिर से एक बार देखा जाए, ये 20 तो यह भी कितना 20 डिग्री। अब देखिए ये कितना हो गया, ये दोनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, इसका सम बोलिए, इसका जोगफल बोलिए, ये 40 तो ये 40 तो ये कितना 70, 70। ये टोटल कितना, तो ये 70 तो ये कितना 20। एक्स का मान बताया जाए, ठीक है या 45, तो यह बोलिए 180 में से घटाइए, और अब जानते हैं कि किनारे वाला बीच वाला का क्या होता है आधा होता है, यह है सेंटर पर या सरकमफेरेंस पर या परिधि पर, तो यह आधा होता है। चलिए लिख लिया गया, तो अगला फिगर बनाते हैं, चलिए थीटा का मान बताया जाए, तो आइए पहले इसको यहां तक बढ़ाइए, इसको यहां तक क्या करिए बढ़ाइए, और अब आइए यह है कितना 40, तो यह कितना 140, और इसका यह हाफ होता है, ये कितना 70।
अब यह देखिए, यह आपको क्या चीज है, साइक्लिक हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिटल चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों का जोगफल कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो थीटा का मान बोलिए 110 डिग्री। बोला जाए ये आपको दो गो नहीं, सिर्फ यही 10 देते, ये आपको हम नहीं देते। चलिए इसका मान बताइए कितना आया। तो ये देखिए, यह 10 है तो ये भी 10 होगा ना, इसलिए कि ये दोनों क्या होता है, तो एक त्रिभुज में जब दो गो भुजा बराबर होगा तो दो गो कोण भी बराबर होगा। तो यह काम करेगा इसके लिए, बी के लिए, और यह बी सी काम करेगा किसके लिए, ए के लिए। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर होगा तो होगा कितना कितना, 60 60, क्योंकि ये 60 है। तो ये दोनों का सम 120, 120, 120 में दोनों बराबर बराबर, तो कितना कितना। तो एक त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होगा, ये अभी हो जाएगा आपको। चलिए अब आगे का रूल देखा जाए। 10 नंबर हो गया ना, 11 हो गया, 12 नंबर पे। बोलिए यह क्या चीज़ है। एक और बनाते हैं, इसमें तो अंदर सर्किल बनाने का ऑप्शन दिया ही नहीं। इसमें ऑप्शन दे रहा है, इसके अंदर में सर्किल तो आया ही नहीं। अच्छा बनाते हैं खुद से। इसके अंदर सर्किल नहीं बन रहा है ना, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाना है। अच्छा अब जो बन गया, चलिए तो इसमें इन सर्किल है या कहिए इनर सर्किल, या तीनों साइड को टच कर रहा है। मान लीजिए यह टच करता है P पर, या Q पर, और यह R पर। यह अभी सारे साइड को टच कर रहा है। मान लीजिए कि यह P है, यह Q है, यह R है, और यह S है।
तो कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, यदि उसके अंदर में आपको क्या चीज़ बना हुआ है, सर्किल है, इसको कहते हैं हिंदी में अंतर्वृत्त और इंग्लिश में इन सर्किल। तो साइड का भुजा कॉर्नर के अगल बगल का भुजा बराबर होता है, कॉर्नर के अगल बगल का भुजा क्या होता है, बराबर हो जाए। जैसे पहला कॉर्नर है कौन, ए, तो अगल बगल में बराबर, यानी ये दोनों क्या चीज़ बराबर, यानी ए पी इज इक्वल टू, बोलिए ए आर। अब बी को देखिए क्या क्या बराबर, हाँ बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। उसी तरह सी में देखिए, सी से क्यू और सी से आर दोनों इक्वल हो, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी देखिए, चतुर्भुज में भी देखिए, ए से ही शुरू करते हैं, तो ए से पी इज इक्वल टू ए से एस, ए से आर ना, ए से आर ए से एस। बी से शुरू करिए, बी से आर और बी से क्यू, सी से स्टार्ट करिए, तो सी से क्यू और सी से पी। उसी तरह डी पी इज इक्वल टू डी एस, कॉर्नर का साइड इक्वल हो। चलिए अब इस पर एक एग्जाम्पल देखा जाए। क्यू आर का मान जल्दी से बताया जाए, कितना आ गया, 27, 27। तो आइए यह 5, तो यह भी कितना, तो यह कितना 15, और यह 15, तो यह भी 15, और यह 12 है, तो यह भी 12। तो आंसर हो गया, चलिए इस स्ट्रक्चर में फिर बीसी का मान बताइए। कितना आ गया, 12, तो यह 4, तो यह भी कितना, यह कितना, यह कितना 15 में से 4 घटाइए 11, तो यह भी कितना 11, 20 में 11 घटाइए तो यह भी कितना 9, टोटल हो गया 3 प्लस 9। चलिए अब यहाँ देखा जाए, तीन तरह का सर्किल यूज में आएगा। आप तीनों का ना, दो तो आप पहले से जानते हैं, बोलिए अंदर में सर्किल है तो इस सर्किल का नाम बोलिए, हाँ इनर सर्किल चाहे इन सर्किल दोनों कहते हैं। चलिए बाहर में सर्किल है तो आउटर सर्किल या सर्कम सर्किल। आउटर या सर्कम कहते हैं। अब बोलिए यह सर्किल का क्या नाम है। अब क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोलेगा कि ट्रायंगल एबीसी है, ए बी को डी तक बढ़ाया गया है, ए सी को ई तक बढ़ाया गया है, इसका नाम जानते हैं। इसका नाम है एक्स सर्किल, ई एक्स, एक्स सर्किल। बाहर में जो सर्किल होगा ट्रायंगल के बाहर में, इसका नाम है एक सर्किल। तो आइए इसी के बारे में थोड़ा सा एक रूल जानना है।
कोई दो साइड को बाहर बढ़ाया जाएगा ट्रायंगल के, और वह जो उसमें एक सर्किल होगा उसका नाम होगा एक सर्किल, यह भी तीन को साइड को टच करेगा, समझे, तीनों साइड के ए बी के बढ़े हुए भाग को, ए सी के बढ़े हुए भाग को, और एक किसको टच कर रहा है, बी सी को। चलिए आइए तो आगे थोड़ा और देखा जाए, इसका नाम कुछ दे दिया जाए, इसको कहते हैं पी, इसको कह रहे हैं क्यू, इसको कह रहे हैं आर। तो यह बोलिए तो AD बराबर इसमें क्या होगा, देख के बताइए। AD बराबर AE हो, कैसे, ताज ही तो बताए। आज ही तो बताए ये दोनों ऑलवेज क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से ही स्पर्श रेखा है ना, ये टेंजेंट है ना, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो। उसी तरह और बोलिए तो, और उसमें आपको क्या बराबर दिख रहा है। हाँ, कॉर्नर का साइड क्या होता है, बराबर होता है। या अभी त्रिभुज ही बताए, कॉर्नर का साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसी में ये भी तो एक वो कॉर्नर है, नहीं गलती लिखा गया, ए से क्यू ए से आर क्या होगा, बराबर, यहाँ गलती लिख दिए, डी लिख दिए। कॉर्नर कहाँ से स्टार्ट है, क्यू से, तो ए क्यू इज इक्वल टू बोलिए ए आर। उसी तरह से एक और बोलिए, ये देखिए ये भी तो कॉर्नर है, क्या ये कॉर्नर है, ये क्या चीज है, कॉर्नर है। तो बी से पी और बी से क्यू, बी पी बराबर क्या चीज, बी क्यू। उसी तरह से एक और बोलिए, हाँ, सी से पी इज इक्वल टू सी से आर, ये सब होगा ना इक्वल। चलिए अब एक बात और देखा जाए, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज का नाम बोलिए, ट्रायंगल क्या चीज, ए बी सी, त्रिभुज क्या चीज है, ए बी सी, उसका पेरीमीटर बोलिए, परिमाप बोलिए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस क्या चीज, सी ए चाहे ए सी। अब बोलिए ए बी बराबर, अच्छा ए बी बराबर ऐसा लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या ए से बी में ए से क्यू निकाल के कहाँ तक घटा दिए, बी क्यू तक घटा दिए। अब बोलिए बी सी बराबर कितना, तो बी सी, हाँ तो ये देखिए ऐसे नहीं, बी सी यार थोड़े बराबर होगा, यहाँ देखिए बी से सी लिखे हैं, तो बी से पी अब प्लस कितना, पी से सी, और ए सी बराबर बोलिए, तो जैसे इधर लिखे थे उसी तरह बोला जाए कितना कितना। हाँ, तो ए आर माइनस क्या चीज, सी से आर। चलिए फिर से अब देखा जाए, इसमें कुछ कटने वाला भी है क्या, कटेगा, अब बोलिए तो बीपी बराबर, बीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो बीपी की जगह लिख दे रहे हैं बी क्यू। चलिए पीसी को रहने देते हैं, या पीसी को भी इक्वल कर, बोलिए पीसी किसके इक्वल है, यहाँ लिख देते हैं सी से आर। ये बोलिए ए आर किसके इक्वल था, हाँ यहाँ शुरू में देखे ना ए आर किसके इक्वल, एक क्यू के, सी आर को अब रहने दीजिए। तो देखिए तो अब आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो बी क्यू कैंसिल, सी आर कैंसिल, और हाँ ए क्यू कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा कितना, टू ए,
तो यही इसमें एक रूल पढ़ना है, त्रिभुज एबीसी का पेरिमीटर यानी परिमाप। तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो गया, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, यह किसका दुगुना होगा, एक्यू का दुगुना होगा, चाहे तो एआर का दुगुना होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो ये दुगुना होगा किसका किसका, या तो एक्यू का, या दुगुना होगा किसका, एआर। तो इसको याद रखा जाएगा। तो आइए अभी जो क्वेश्चन आपको लिखा है उसमें त्रिभुज एबीसी है, एबी को कहाँ तक बढ़ाया गया था, डी तक, और एसी को ई तक। इंग्लिश में कहेगा कि एबी को डी तक प्रोड्यूस किया जाता है और एसी को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक। अब आइए बीसी जो है सर्किल को कौन पॉइंट पर टच करता है, आर पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और यह किस पर, पी पर, यह किस पर, क्यू पर। आपको क्वेश्चन में अभी इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया, हाँ ए बी दिया कितना 10, और क्या दिया बी से आर दिया क्या चीज 4। अब आपको ट्रायंगल ए बी सी का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। आंसर बोला जाए हाँ तो 28 हो जाएगा। तो ये देखिए यह 4, तो यह भी कितना, कॉर्नर के अगल बगल वाला भुजा क्या होता है, बराबर। इसका पेरीमीटर किसका दुगुना, एपी का, एपी का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो ए से बी तक 10 और बी से पी तक 4, टोटल जोड़ लीजिए तो आंसर हो गया